हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्स विट्सी मॉम। तो आज का डीआईवाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम बनाने वाले हैं ये यूनिक सा प्लांटर, वो भी हम वेस्ट प्लास्टिक के बॉटल को यूज़ करके। क्यों है ना इंटरेस्टिंग, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो मैंने लिए हैं दो डिफरेंट साइज़ के प्लास्टिक के बॉटल। अभी हाल ही में समर गई है तो हम सब ने कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, तो बॉटल को क्या करना है, फेंक देना है ना। उससे बनाएंगे हम सुंदर सुंदर DIYs और उसी में से एक DIY है आज का। तो मैंने दो डिफरेंट साइज़ के प्लास्टिक के बॉटल लिए और उसको नीचे के पार्ट से कट कर दिया। फिर मैंने लिया मोल्डेड क्ले और दोनों बॉटल को कवर कर दिया मोल्डेड क्ले से अच्छी तरह से, पूरी अच्छी तरह से मुझे कवर करना है। इस तरह से हम दोनों बॉटल को कवर कर देंगे और कवर करने के बाद सूखने के लिए रख देंगे इन्हें। जब तक ये सूखता है तब तक हम आगे का काम करते हैं। मैंने लिए एल्युमिनियम फॉयल और उससे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दो थोड़े बड़े और दो छोटे साइज़ के, मतलब बड़े दो साइज़ दो पीस और छोटे दो पीस। और फिर मैंने उन दोनों को भी मोल्डेड, उन चारों को भी मोल्डेड क्ले से कवर कर दिया। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो प्लांटर है ये है एक मम्मी हो या पापा हो, मैंने पापा बनाया है बिकॉज हाल ही में फादर्स डे गया तो मैंने उसी के लिए बनाया था ये प्लांटर। तो पापा अपने बेबी को जैसे पकड़े रहते हैं तो वैसा, तो पापा का जो हाथ है उसको मैंने पहले बना लिया जो बड़े बड़े हैं, और जो छोटे वाले हैं वो है बेबी के पैर। आप वीडियो देखते रहिए, एंड में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। जब मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ जो पापा का हाथ है ना वो थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या किया मैंने, जिस साइज़ का मेरा एल्युमिनियम फॉइल का स्ट्रक्चर था उस साइज़ का ही मैंने बारबेक्यू स्क्यूअर कट करके उसके अंदर डाल दिए, ये देखिए इस तरह से, और फिर उसे फिर से रोल कर दिया ताकि इससे एक स्ट्रेंथ मिले जो हैंड पोर्शन है, बिकॉज हैंड जो पापा के हैंड है उस पे ही जो बेबी का बेबी प्लांटर है उसका वेट रहेगा, ये देखिए इस तरह से। तो इसलिए जो हैंड है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो अब आती है बारी फिक्स करने की। ये फिक्स करने में आपको थोड़ी सी टाइम देनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज एक तो प्लांटर जो है वो आपके ग्राउंड लेवल पे है और एक जो है वो ऊपर है, मतलब ग्राउंड लेवल से तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बेबी को पापा के हैंड लगा दिया और हैंड में बेबी वाला प्लांटर को फिक्स कर दिया, और नीचे से मैंने एक छोटी सी मटकी को रख दिया सपोर्ट के लिए ताकि वो जब तक ना सूखे तो उसको सपोर्ट मिलता रहे। और जब थोड़ा बहुत सूख गया था तो मैंने बेबी के पैर को भी फिक्स कर दिए, ये देखिए इस तरह से दोनों पैर को फिक्स कर दिए। फिर मैं इसे सूखने के लिए रात भर छोड़ दी और सुबह मैंने उसको निकाला तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा बन गया था। अब ये हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसे पेंट करते हैं। पेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपको जो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आप उसी में कीजिए। मैंने थोड़ा बॉयज़ कलर जो होता है उसको ही किया है क्योंकि पापा के शर्ट और पैंट को ब्लू एंड येलो में कर दिया और बेबी के ग्रीन में किया। तो इस तरह से मैंने अपने चॉइस ऑफ कलर्स में इस प्लांटर को पेंट किया। और फिर मैंने पापा के हाथों को स्किन कलर से पेंट कर दिया और ऑलमोस्ट हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो गया। बाकी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स ऐड करने हैं और ये जो भी डिटेलिंग है या जो भी कलर कॉम्बिनेशन, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको क्या क्या ऐड करना है आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने पापा और बेबी दोनों के ही बेल्ट बनाए हैं,
और फिर थोड़े बहुत शर्ट पे डिज़ाइन भी बना दिए हैं, पापा के शूज़ को भी पेंट कर दिया है। ऐसा मैंने बेबी को शूज़ नहीं पहनाया है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये प्लांटर बनकर रेडी हो जाता है। अब इसमें हम प्लांट्स लगाएंगे। जो पापा वाला प्लांटर है उस पर मैंने एक्चुअली कोकोपीट का यूज़ किया, यहाँ मैंने कोई सॉइल का यूज़ नहीं किया। पहले एक लेयर पेबल्स का डाला, उसके ऊपर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर को डाला, और फिर पापा वाले प्लांटर में मैंने कुछ मनी प्लांट के कटिंग्स को लगाया और बेबी वाले में कुछ जेड प्लांट के कटिंग्स को। तो इस तरह से हमारा क्यूट सा प्लांटर बनकर रेडी हो गया। ये प्लांटर बनने के बाद मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ कुछ इसी तरह की यूनिक और नए DIYs के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी क्राफ्टिंग, और बहुत सारे DIYs बनाइए।